जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये उन भाइयों के लिए जो एसएससी जीडी में रह गए हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी को पता है कि आज 14 फरवरी है और जितने भी एसएससी जीडी के जो मेरे दोस्त कुछ रह गए थे उनकी गैदरिंग थी जंतर मंतर दिल्ली में। तो पहले तो आप वो छोटा सी क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपको परमिशन मिल जाएगी, आप यहाँ पे शांतिपूर्वक कैंसिल कर सकते हैं, अन्यथा आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। जिसमें 188 IPC, 3 एपिडेमिक एक्ट और 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसका मुकदमा दर्ज होता है आप लोगों के खिलाफ। ये जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए ना इस तरह से, इसको मुकदमा दर्ज होता है। इसमें दिक्कत ये है कि फिर कहीं भी नौकरी नहीं मिलने वाली, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। तो दोस्तों आपने क्लिप देख ली है, ये मैं शुरू से पहले दिन से इन सभी को एक बात बोल रहा हूँ कि आपके जो लीडर बन रहे हैं ना, इनका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। आप पे अगर कोई पुलिस केस हो गया ना, तो वहाँ पर जो पुलिस वाला बंदा खड़ा है वो आपको बार बार आह्वान भी किया, जितने मेरे दोस्त गए हैं या जिन्होंने वीडियो भी देखे हैं, वो साफ साफ बोल रहा कि अगर आप पे पुलिस केस हो गया, अगर आप पे पुलिस केस हो गया तो फिर आप कभी भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो मुझे बताओ कि कभी भर्ती नहीं देख पाएंगे? एक भर्ती में रह जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है? अरे आपकी ज़िंदगी अलग दूसरी तरफ चली चली जाएगी, आप क्या कर रहे हो? चलो आपको गैदरिंग भी करनी है तो परमिशन तो ले लो, कम से कम इलीगल तरीके से तो मत हो। ओ किसी की भी बातों में आके आप इलीगल काम ना करें, जिनकी बातों में आ रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। वहाँ पर अगर एक मिनट के लिए भी लाठी चार्ज हो जाता ना, तो आप में से कौन कौन से कोने में कौन कौन सा मिलता पता नहीं चलता। ये मैं लिख के देता हूँ, कहाँ लीडर कहाँ कौन, ये पता भी नहीं चलता है, ये हमने देखे हैं। ठीक है, आपका छोटा बड़ा भाई कुछ भी समझ लो, मैं पहले बात तो ये बता रहा हूँ कि जितने मेरे दोस्त रह गए हैं उनका दुख मैं समझता हूँ। ठीक है, और 3 साल ने आपने वेटिंग किया इस भर्ती के लिए, मैं दुख समझता हूँ आपका। आप सभी का दुख जायज़ है, सभी चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट आए, लेकिन सेकंड लिस्ट भी आ जाएगी तो 2-4 हज़ार की आएगी, 1,09,000 की कभी ज्वाइनिंग नहीं होगी, कभी होगी नहीं दुनिया, आज तक नहीं, आज तक हुई नहीं है ना कभी होगा, ऐसा नहीं होता है। जो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं उनको और कुछ खुद का तो कोई टैलेंट है नहीं, तो आपको बना लिया मोरा, आपके बनाते रहो वीडियो पूरे दिन डालते रहो यूट्यूब पर, उनका काम ही है ये। अरे उनको खुद को कुछ आता नहीं, उनको कोई नॉलेज नहीं, फोर्स का उनको कोई नॉलेज नहीं, खुद को कुछ आता नहीं, खुद की कोई एजुकेशन नहीं, खुद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बस बड़बड़ करने के अलावा वो बस अब आप उसको आप मिल गए मोरे, यूट्यूब चैनल उनका चल रहा है। वो सिर्फ एक छोटे से निजी स्वार्थ, केवल यूट्यूब के चक्कर में, यूट्यूब पर केवल छोटे से वीडियो बनाने के चक्कर में आप सबकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, इस बात को मत भूलो। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। आप रह गए हो इस बात का मुझे दुख है, आप संघर्ष भी कर रहे हो ये भी मैं मान रहा हूँ। चलो आपको गैदरिंग करनी है, मैं इस बात के लिए कतई नाराज़ नहीं हूँ, आपकी इच्छा है। वैसे तो मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहा हूँ आज तक, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि आपका दुख जायज़ है, ठीक है, आपकी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, तो परमिशन लो। ओबियसली परमिशन होनी चाहिए, कोई आपका फिक्स लीडर होना चाहिए, वो परमिशन लेगा, उसके बाद में गैदरिंग करो। नारेबाजी भी करनी है तो उसकी परमिशन लो, बिना परमिशन ये तो दिल्ली पुलिस का रवैया आपके लिए मान लीजिए अच्छा है, अच्छा है, उसका भी एक रीज़न है, जो जो समझदार है ना उनको पता है अच्छा क्यों है। नहीं तो 2 लाठी पड़ती है, राजस्थान में हो चुका है एक बार, टीचरों ने हड़ताल की थी, ठीक है, 2-5 मिनट तक लाठी चार्ज के बाद में बच्चे नहीं थे, एक बंदा भी। आप तो कितने से हो वहाँ पर, तो कम से कम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट थे टीचर की वैकेंसी की, और वो तो ऐसी कोई मांग भी नहीं थी, उनकी जाहिर सी मांग थी फिर भी, और उसकी उस दिन के बाद उन्होंने धरना नहीं दिया, क्योंकि उसमें जितने बंदे पकड़े गए थे ना उनके सबके खिलाफ चार्जशीट हो गई थी। ठीक है, कितने वैकेंसी में 54,000 लिए, 1,09,000, कितने बच्चे रह गए, 60,000 के समथिंग, 60,000 के समथिंग बच्चे रह गए ना, बाकी सब कहाँ, बाकी सब कहाँ। आप तो यहाँ दिल्ली में तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 के आसपास बच्चे हैं, बाकी कहाँ, बाकी अगली एग्जाम की तैयारी में लग गए, उनको पता है क्या करना है। ठीक है, ये छोटे यूट्यूबर्स है कुछ, जिनको खुद को कुछ आता नहीं है, खुद का कोई टैलेंट नहीं है, खुद को कुछ फालतू का आता नहीं है, ना फोर्स की जानकारी है, ना उनका खुद का कोई मोटिव है, ना उनका कोई टारगेट है कि मुझे क्या करना है यूट्यूब पर, जो मिल गया उसको पकड़ लिया और बस, हाँ चलो वीडियो बना लो, चलो वीडियो बना लो, आज इसका वीडियो बना लो, आज उसका वीडियो बना लो। अरे क्या दिखा रहे हो भाई, अरे कोई इन्फॉर्मेशन दो, कोई जानकारी दो कुछ, अगर आपको पता पता उनको कुछ है नहीं, आप उनको मोहरा मिल गया अच्छे से, अब उनका चैनल चल रहा है आपकी वजह से। नहीं, आप एक छोटी सी चीज़ कल्पना करिए कि ऐसा कभी हुआ है। आपका दुख मैं समझता हूँ, आपको लगता है कि भाई मेरी नौकरी लगी है तो मैं आपका दुख नहीं समझता, ऐसा नहीं है, मेरी एक ही लगी है, मेरे और भी छोटे भाई है, उनकी सबकी नौकरी नहीं लगी है, मेरी एक ही लगी है,
ठीक है, और मेरी भी तीसरा चांस में लगी है, तो मैं दुख आपका समझता हूँ। दूसरी एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, मुझे पता है इस वीडियो पे डिसलाइक ज़्यादा आने हैं, आप लोग डिसलाइक करोगे क्योंकि आपको सच्ची बात कड़वी लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपके लिए बोल देता ना आपकी ज़िंदगी ख़राब करने वाली बातें कि हाँ बेटा सही है, करो जय हिंद जय भारत, करो जय हिंद जय भारत, करो आंदोलन करो, तो इतने लाइक आ जाते वीडियो पे, पूछो मत। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं बोलूँगा, जो गलत है वो नहीं बोलूँगा मैं। एक चीज़ आप बताइए मुझे, 3 साल आप बोल रहे हो, 3 साल ऐसे जी डी यू बैठी लगी, 3 साल की भर्ती लगी, पहले तो इस भर्ती में कहीं पे लिखा हुआ है कि ये भर्ती 1 साल के अंदर कंप्लीट की जाएगी या 2 साल के अंदर कंप्लीट की जाएगी? आप सभी को पता है ऐसे जी डी की वैकेंसी में 2 से 2.5 साल का समय लगता ही लगता है, ने? इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, तो कोरोना की वजह से आप एज के लिए छूट मांगो ना, मेरिट में डबल कर देंगे क्या ना फ्री, ऐसा होगा क्या? आप आज करोगे तो नई ऐसे जी डी की वैकेंसी कैसे लाएंगे भाई, और नई नहीं लाएंगे तो जो नए लड़के हैं उनको मौका कैसे देगी सरकार? आप इस 3 साल, दूसरी बात 3 साल लगी है वैकेंसी में, मानता हूँ 3 साल में एसएससी जीडी ने ऐसे कोई आपको रूल या रेगुलेशन बताया था कि जिस दिन आप एसएससी जीडी का एग्जाम दो उसके बाद में आप कोई भी पेपर नहीं दे सकते, कोई भी दूसरी भर्ती नहीं दे सकते? तो किसने बोला भाई आपको वेटिंग करो, आप मेहनत करते और कुछ काम करते और दूसरी भर्ती देखते। कई आपके दोस्त दूसरी भर्तियों में लगे, एनटीपीसी में लग गए, कहीं का रेलवे का रिजल्ट आने वाला, कहीं का यूपी पुलिस का आने वाला, कहीं का राजस्थान पुलिस का आने वाला है, तो वो दोस्त कैसे लग गए फिर? मेहनत करो, मेहनत, मैं पहले ही बोल रहा हूँ मेहनत करो, अगर आप में टैलेंट है, अगर आपने मेहनत की है, आपने सच्चे दिल से मेहनत की है, तो देश सेवा का मौका भी मिल जाएगा, और देश सेवा बॉर्डर पर ही नहीं कहीं पे भी कर सकता है इंसान, ठीक है? तो पहले तो करो मेहनत अच्छे से, और फिर आपको अगर जॉब नहीं मिली ना तो मतलब जॉब से भी बड़ा पाओगे ज़िंदगी में, ठीक है? लेकिन होनी चाहिए मेहनत, ऐसे नहीं होगी धरना प्रदर्शन। आप नेता मत बनो, अगर एक बंदे पे 10 बंदों पे अगर पुलिस केस हो गया ना, मैं पहले दिन जब धरना प्रदर्शन हुआ था तब मैं बोला था, वो मेरा पहला वीडियो था, तब मैंने बोला था कि बच्चों अगर किसी पे केस हो गया किसी भी कारण वश, तो अगर किसी का नुकसान हो गया तो कोई नहीं भोगेगा। वो बच्चा जिसकी मैं फोटो दे दूंगा, उसमें जो 2 बच्चों के 2 हाथ पैरों पे लगी है ना, उनका नंबर भी आ रखा है SSGD में, ठीक है? और वो अभी ज्वाइनिंग करने जाएंगे ना तब पता भी चलेगा उनको, मेरे पास में मैसेज भी आ रखे हैं उनके कि सर अब हमारा क्या होगा, एक पैर के लग रखी है, एक हार्ट फ्रैक्चर और का है। तो अगर पुलिस केस बन गया तो जिंदगी भर के लिए आउट हो जाओगे भर्तियों से, क्या कर रहे हो आप, कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, केवल इन लोगों के चक्कर में जिनको खुद का कुछ अता पता ही नहीं है। और बात आप लीडर्स की बात कर रहे हो ना, लीडर मैं भी कर लूंगा इसी भीड़ को लीडर, क्योंकि मेरी तो वाह वाही हो ही रही है ना, मेरे को तो मुद्दे चाहिए, देखना नहीं है बच्चों का भविष्य क्या है भाई, इनका भविष्य क्या है, इनको क्या करना है, क्या चीज़ मुझे बतानी चाहिए। मैं अगर अपने, मैंने पहले ही बोला था मेरा भाई रह गया उसको, वो तैयारी कर रहा है अभी वापस से, ठीक है? वापस उसने तैयारी शुरू कर दी, अगले एग्जाम में लग जाएगा। अगर कोई ओवर एज हो गया तो SSGD से हुआ है, जिंदगी से नहीं। बहुत वैकेंसियाँ जिनमें एज बहुत, एज की लिमिट ज़्यादा रहती है, CPSI की करो, उसमें एज की लिमिट ज़्यादा है, दम खुद में होना चाहिए, दोस्त किसी और को दे रहे हो, नहीं दम आप में खुद में होना चाहिए ना तैयारी करने का, दोस्त किसी और को क्यों दे रहे हो? 3 साल आपको किसी ने रोका था कि 3 साल तक आप कोई भी मतलब वैकेंसी में मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे? क्या बात करते हो आप? बस कुछ लोग आपको वीडियो बना, अपने वीडियो बनाने के चक्कर में, अपने चैनल को चलाने के चक्कर में आपके वीडियो बना रहे हैं रोज। अगर आपको करना भी धरना प्रदर्शन तो भी परमिशन लो, कम से कम नुकसान मत उठा लेना अपना इन लोगों के चक्कर में, इनका कुछ नहीं जाता। जो लीडर बनते हैं ना, अगर लाठी चार्ज हो गया ना, ये आपको दिखेगी नहीं इनकी बेग बत्तियां कि कहां गए आपके लीडर। तो दोस्तों नई वैकेंसी आ गई है SSGD की, जो एलिजिबल है वो तो उसकी तैयारी करो, जो एलिजिबल नहीं है वो CPSI की वैकेंसी आ रही है अगस्त तक, तो उसकी तैयारी करो, ठीक है? तैयारी करने से मिलेगी जॉब, आंदोलन करने से नहीं। आंदोलन करने से अगर राजनीति के बनना तो वो कर लेना आंदोलन, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, देश सेवा चाहिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। बातें बुरी लगी होगी तो भी बुरा मत मानना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं गलत काम करूंगा ना, मैं किसी को नहीं बोल सकता कि मैं 3 साल तक, मैं भी 2-3 एग्जाम दिया तो उनकी मेरिट में रहा था, मैं बोल सकता था कैसे? ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है? बुरी भी लग रही तो कोई बात नहीं, छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, और बात सच्ची है, ठीक है? भले कड़वी है लेकिन बात है सच्ची, मेहनत करनी, मेहनत करने से ही मिलेगा मुकाम,
ठीक है, मेहनत करने से मिलेगा। ये मेहनत नहीं है जो आप कर रहे हो, ये गलत डायरेक्शन में मेहनत है। ऐसे तो मेहनत बहुत प्रकार की होती है, तो हर एक मेहनत से मुकाम, वो मुकाम जिस मुकाम के लिए आपको जो मेहनत चाहिए वो करनी पड़ेगी। इस मुकाम के लिए, ये भर्ती आपको क्रॉस करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 6 महीने 12 महीने दबा के, और अगले एग्जाम में आप नंबर ला के बताओगे। मेरे पास में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका कमेंट आता है कि सर हम रह गए हैं पॉइंटों से, लेकिन अगली मेरिट में हम ऐसा सब NIE हिट करेंगे, 90+ स्कोर करेंगे, हम 85+ स्कोर करेंगे। कमेंट बॉक्स जाके देख लेना, ऐसे कमेंट मिलेंगे। वो होता है जज्बा, और वो बन के रहेंगे फौजी। जय हिंद, जय भारत।